हेलो दोस्तों, आज मिले एक न्यू वीडियो में। आई होप दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों गवर्नमेंट की और प्राइवेट की जो भी वैकेंसी आती है आपको इस चैनल पे वीडियो मिल रहे होंगे। तो दोस्तों गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों इस चैनल से जुड़ जाएं। कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी गवर्नमेंट से, कोई भी वैकेंसी आएगी तो दोस्तों विथ प्रूफ के साथ हम लोग देख रहे हैं इस चैनल पर। और प्राइवेट में भी दोस्तों कोई भी वैकेंसी आ रही जो आप लोग पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हैं दोस्तों, उसके लिए भी इंफॉर्मेशन आपको इस पर मिलती होगी। अगर आप सम मंथ के लिए अगर जॉब करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी दोस्तों जो वैकेंसी आती है तो आपको इस चैनल पे वीडियो मिलती होगी। तो दोस्तों अभी जो वैकेंसी आई है वो MTS के लेके आई है और हम लोग A to Z बात करने वाले हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के लेके है, आप देख सकते हो। अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे जाऊँगा और जैसे ही नीचे जाऊँगे तो आप दोस्तों देखोगे यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो यहाँ पर दिया गया ये वैकेंसी का ही है। आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ द वर्क इन द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ द मल्टीटास्किंग स्टाफ। आप दोस्तों देख सकते हो आपका इसमें जो सिलेक्शन होगा सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे होगा, ना ही कोई एग्जाम होगा ना ही कुछ होगा। दोस्तों डायरेक्ट आप इंटरव्यू दो और सिलेक्शन लो, आप इसमें जॉब कर सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं A to Z। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका जो इंटरव्यू होगा, आप देखोगे यहाँ पर 7 आपको जून को इंटरव्यू होगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो 9:30 AM से आपको 10:30 AM तक आप दोस्तों इंटरव्यू के लिए आप जाओगे। आप देख सकते हो सिर्फ 1 आवर के लिए है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ डेवलप, यहाँ पर लिखा हुआ है भाभा, यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च एंड सेंटर। आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ विशाखापट्टनम, यहाँ पर देखोगे आगमपुरी। आप दोस्तों देख सकते हो विशाखापट्टनम, यहाँ पर आपको मिल जाएगा टोटल जो डेट। आप दोस्तों देख सकते हो 24 मई से स्टार्ट है, आप 7 जून तक आप दोस्तों कर सकते हो। आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर। अब हम पर यहाँ पर डिटेल बात करते हैं कि कितना पेमेंट मिलेगा आपको। यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ मैं। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो नोटिफिकेशन है, आप देखोगे यहाँ पर 24/5 से दोस्तों 24 मई को है, यानी 2-3 दिन पहले की है ये। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है वाल्क इन द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ द देखोगे मल्टी टास्किंग स्टाफ के लेके हाउसकीपिंग। आप दोस्तों देख सकते हो ऑन द 7 जून के लिए का। आप दोस्तों देख सकते हो जो इंटरव्यू होगा आपका बिटवीन द 9:30 से आपका 10:30 तक होगा। आप दोस्तों देख सकते हो AM में यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे के जाओगे, जैसे नीचे के जाओगे आप यहाँ पर मिल जाएगा देखने के लिए। यहाँ पर होमी भाभा से यहाँ पर देखोगे कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर। आप दोस्तों देखोगे अगनपुरी और विशाखापट्टनम। आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर देखोगे मल्टीटास्किंग के लिए क्या है। यहाँ पर टोटल जो है आपका जो एज लिमिट चाहिए वो 35 एज चाहिए। आप देखोगे क्वालिफिकेशन आप SSC की यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि अगर आपने 10th किया तो दोस्तों आप एलिजिबल हो, और साथ में आपको 1 ईयर के एक्सपीरियंस चाहिए। आप देख सकते हो इसमें टोटल जो सीट आप देखोगे 3 सीट है। आपको जो सैलरी होगा 16,400 सीट होगा सैलरी होगा। आप देख सकते हो ये दोस्तों जो जॉब है आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है ये जॉब है आपके लिए जो 6 मंथ के लिए। आप देख सकते हो अगर आप कुछ मंथ के लिए जॉब करना चाह रहे हो, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप ये जॉब को कर सकते हो। आप देख सकते हो अगर आप जॉब कर रहे हो ऑलरेडी तो आपको यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इस पोस्ट के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट विल बी द फॉर द फिक्स पीरियड ऑफ द यहाँ पर फॉर ऑफ द 6 मंथ। 6 मंथ के लिए है, हो सकता है आपका रिक्वायरमेंट के ऊपर है ये दोस्तों। इसमें आपका हो सकता है कि आपका जो 6 मंथ के से आपका आगे भी हो जाए दोस्तों, एक्सटेंड भी हो जाए। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है डेट ऑफ द ज्वाइनिंग एंड यहाँ पर फर्दर द एक्सटेंडेबल एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर रिक्वायरमेंट होगा तो आपको ये 6 मंथ से आपको 1 साल हो जाएगा, आप हो सकता है परमानेंट हो जाए वो इसी हॉस्पिटल में। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका फिर सैलरी बढ़ने लगेगा। आप देख सकते हो तो दोस्तों अगर आप चाहते हो जॉब करने के लिए तो आप कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।